हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मेरा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, जो बहुत ही सिंपल है और कोई भी फॉलो कर सकता है। और स्पेशली मेरा ऑयली स्किन है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ टिप्स दे रही हूँ जिन लोगों का ड्राई स्किन है वो लोग भी इसे फॉलो कर सकते हैं। और इसमें सारी DIY है और बाकी जो किया है वो बहुत ही बजट फ्रेंडली है, तो आप लोग इजीली इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये आपके स्किन को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेंगे और नेचुरली आपके स्किन को ग्लोइंग भी बनाएंगे। तो आप लोग चाहे तो इसे ज़रूर एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। और ये मैं अपनी डेली रूटीन में फॉलो करती हूँ। मेरा जो मॉर्निंग स्किन केयर है उसमें मैं इसे फॉलो करती हूँ। जब मैं कोई मार्केट प्रोडक्ट नहीं यूज़ करती हूँ, तब मैं इन्हीं सारे चीज़ों को अपने स्किन केयर की तरह यूज़ करती हूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। तो चलिए देखते। सो पहले मैं अपने फेस को क्लीन करूँगी। उसके लिए मैं ले लूँगी बेसन, चंदन और दही। इन सारे चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा हनी। तो मैंने यहाँ पे बेसन लिया क्योंकि बेसन जो है वो आपके फेस को क्लीन करता है, आपके फेस में जो भी डर्ट्स एंड इम्प्योरिटीज़ है उसे हटाता है। और उसके साथ ही चंदन आपके फेस में ठंडक पहुँचाता है। और उसके साथ ही इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है। आपके फेस में अगर एक्टिव पिम्पल्स या एक्ने की प्रॉब्लम हो तो ये उसे भी हील करता है और आपके सनबर्न में भी काम करता है। और उसके साथ ही दही में प्रेजेंट रहता है लैक्टिक एसिड, जो आपके पिगमेंटेशन और टैनिंग को हटाता है। और मैंने यहाँ पर हनी डाला है ताकि मेरे फेस का जो मॉइस्चर है वो लॉक रहे। इसे आपको अप्लाई करना है अपने पूरे फेस में और 10-15 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। आप कभी इसे फेस वॉश को स्किप करके ज़रूर एक बार ट्राई करके देखें। और मैं यहाँ पे एक टोनर यूज़ करके अपने फेस को वाइप आउट कर रही हूँ। और आप लोग देख सकते हैं इससे जो आपका फेस है वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन एंड क्लियर हो जाएंगे और उसके साथ ही आपके फेस में एक नेचुरल सा ग्लो भी देगा। तो मैं इसे यूज़ करती हूँ ऑलमोस्ट एवरी डे क्योंकि ये मेरे स्किन के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से सूट करता है। इसके बाद मैं ले लूँगी एक टमाटर, उसे मैं आधा कट करूँगी और डायरेक्टली अपने फेस पे मसाज करूँगी। ये मैं एवरीडे करती हूँ, आप चाहे तो इसे कोई भी टाइम पे कर सकते हैं क्योंकि जो टमाटर है वो आपके पोर्स पे काम करते हैं, वो आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करता है, आपके फेस में जो एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन है उसे हटाता है, आपके फेस से टैनिंग को हटाता है और आपके फेस में एक नेचुरल सा ग्लो भी देता है। आप इसे 10-15 मिनट्स तक अपने फेस पर मसाज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसके बाद आप वाइप आउट भी कर सकते हैं। और मॉइस्चराइज़र पर मैं यूज़ करती हूँ एलोवेरा जेल। आपका अगर स्किन ड्राई है तो आप एलोवेरा जेल के साथ 2-3 ड्रॉप्स विटामिन ई ऑयल मिक्स करके भी मसाज कर सकते हैं। मेरा स्किन ऑयली है तो मैं रेडीमेड एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे प्लांट वाला एलोवेरा जेल सूट नहीं होता है। और उसके बाद डे टाइम है तो मैं सनस्क्रीन लगाना कभी भी नहीं भूलती हूँ। मैं SPF 50 वाला सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद मैं लिप को मॉइस्चराइज करने के लिए लगा रही हूँ बेबी लिप्स का लिप बाम। मैं वैसलिन भी यूज़ करती हूँ। आपको जो भी अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना, मेरे वीडियो को एक लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आप लोगों के पास जाके पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।